हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट आर्ट सो आज की वीडियो हमारा जो है आगे का कंटिन्यूशन है जो मैंने कल आपको पढ़ाया था ठीक है उसके आगे का ही जो है आज हम पढ़ने वाले हैं ठीक है लास्ट हमने पढ़ा था सील्स के बारे में एंड आज हम पढ़ेंगे बाकी की अदर चीज़ें जो हमारे स्कल्पचर के अंदर आती हैं ठीक है आर्किटेक्चर मैंने कम्प्लीट करा दिया था मतलब आर्किटेक्चर में ऐसा ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आते नहीं है सो थोड़ा सा बेसिक था जो कि आपको बताना ज़रूरी था वो मैंने बता दिया था So, आज जो है हम शुरू कर रहे हैं इसमें ब्रॉन्ज फिगर्स से ठीक है एक तो हमें स्कल्पचर्स के नाम पे इंडर्स वाली सिविलाइजेशन से क्या मिले हैं सील्स सबसे पहले ठीक है सील्स के अलावा हमें क्या मिला है वहां से ब्रॉन्ज फिगर्स ठीक है तो आज हम ब्रॉन्ज फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं सो so, सबसे पहले द हरप्पन सिविलाइजेशन सॉ वाइड स्केल प्रैक्टिस ऑफ ब्रॉन्स कास्टिंग ठीक है हमने ज़्यादातर देखा है कि जितनी भी एक्सेवेशंस हुई हैं आर्कोलॉजिस्ट ने जितना भी वहाँ से मतलब जो भी मटेरियल एक्सकेवेट किया है उसमें देखा है, गया है कि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स मिले हैं यानी कि ब्रॉन्ज से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी सारी मिली हैं तो इससे क्या पता चलता है कि वहाँ पे जो ब्रॉन्ज है उसकी कास्टिंग होती थी यानी कि उससे रिलेटेड चीज़ें बनाई जाती थी ठीक है स्टैचूज वगैरह जो है बनाई जाती थी द ब्रॉन्ज स्टैचूज वर मेड यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक और सायर पड्यू ठीक है सो ब्रॉन्ज स्टैचूज थे वो किस टेक्निक से बनाए जाते थे लॉस्ट वैक्स टेक्निक ठीक है इस नाम को याद रखना ही काफी इंपॉर्टेंट है कौन सी टेक्निक है ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक ठीक है और इसको क्या कहते हैं दूसरा नाम है इसका सायर पड्यू नेक्स्ट है अब हम इस टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं कि इस टेक्निक में क्या होता है सो इन दिस टेक्निक वैक्स फिगर्स आर फर्स्ट कोटेड विद वेट क्ले एंड अलाउड टू ड्राई सबसे पहले एक वैक्स की फिगर बनाई जाती है यानी कि जैसे मान लीजिए आपको कोई स्कल्पचर बनाना है कोई स्टैचू बनाना है ठीक है छोटा बड़ा जितने भी साइज़ का तो जो इन में मिले हैं हमें वो काफ़ी छोटे साइज के मिले हैं जैसे डांसिंग गर्ल काफ़ी छोटा साइज है उसका सो so, सबसे पहले एक वैक्स की जो है एक फिगर बनाई जाती है या जो भी आपको बनाना है ठीक है वो बनाया जाता है सबसे पहले वैक्स का तो वो वैक्स फिगर को जो है कोट किया जाता है फिर किसके साथ वेट क्ले के साथ ठीक है जब उसमें गीली मिट्टी लगा दी जाती है मतलब उस फिगर के आसपास चारों तरफ एक तरह से उसे कवर कर दिया जाता है ताकि वो उसकी शेप ले ले ठीक है तो उसको फिर सूखने के लिए दिया जाता है इस टेक्निक में लॉस्ट वैक्स टेक्निक में देन द क्ले कोटेड फिगर्स आर देन हीटेड अलाउिंग द वैक्स इन साइड टू मेल्ट उसके बाद क्या होता है जो क्ले कोटेड फिगर है उसको हीट किया जाता है यानी कि अब हमारे पास एक माउल तैयार हो गया ठीक है जब हमने क्ले लगाई है वो सूख गई है वो थोड़ी हार्ड हो गई है ठीक है अब उसके अंदर वाली जो फिगर है वो वैक्स की है अब जब हम उसको हीट करेंगे ठीक है मतलब बाहर तो मिट्टी अगर हम उसको हीट करेंगे तो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी ठीक है तो अंदर जो वैक्स है वो पिघलने लगेगी ठीक है उसको निकाल लिया जाता है उस वैक्स को निकाल लिया जाता है मेल्ट करके और नीचे ना एक छोटा सा होल कर दिया जाता है यहाँ पे लिखा है द वैक्स इज देन पोर्ड आउट थ्रू अ टाइनी होल वहाँ पे एक छेद करके उस वैक्स को निकाल लिया जाता है एंड लिक्विड मेटल इज पोर्ड इनसाइड द होलो माउल्ड और उसके अंदर क्या भर दिया जाता है एक लिक्विड मेटल ठीक है जिस जैसे कि ब्रॉन्स की बात हो रही है यहाँ पे तो ब्रॉन्स को जो है लिक्विड फॉर्म में करके उसके अंदर डाल दिया जाता है उस मिट्टी के जो हमने ऊपर से वाला कवर जो था उसके अंदर डाल दिया जाता है ता, और फिर उसको सूखने दिया जाता है तो वो मेटल की जो है हमारी एक तरह से आ, मेटल का हमारे पास एक स्कल्पचर बन जाता है ठीक है तो इस टेक्निक को कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक ठीक आई होप ये सबको समझ आ गई होगी कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका नाम आप याद रखिएगा ठीक है ब्रॉन्ज स्टैचूज के लिए ये यूज़ होती थी मतलब और ये आज भी इवन नाउ द सेम टेक्निक इज़ प्रैक्टिस्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री ठीक है आज भी कई सारी जगह पे ये जो है यूज़ होती है ठीक है बड़े लेवल पे यूज़ होती है एंड थोड़े और डिफरेंट तरीके से यूज़ होती है लेकिन हाँ यूज़ होती है एग्जाम्पल ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजदारो एंड ब्रॉन्ज बुल ऑफ कालीबंगन एक्सेट्रा सो हमारा इसका एग्जाम्पल क्या है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो कि हमें मोहन चदारो से मिली है और ब्रॉन्ज बुल जो कि कालीबंगन से मिला है ठीक है एक्सेट्रा नेक्स्ट है हमारा ये तो था हमारा लॉस टेक्निक के बारे में अब हम पढ़ते हैं डांसिंग गल ठीक है ये काफी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि डांसिंग गर्ल कहा से मिली है या क्या है डांसिंग गर्ल ठीक है सो द डांसिंग गर्ल इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ब्रॉन्स स्कल्पचर्स फाउंड इन मोहन जोदारो ये सबसे ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर है जो कि मोहन जोदारो में मिला है हमें दिस फोर इंच फिगर डिपिक्स अ नेक्ड गर्ल बियरिंग ओनली ऑर्नामेंट्स ये जैसे कि आप डांसिंग गर्ल को मतलब इस पे देख सकते हैं कि ये छोटी सी है काफ़ी ज्यादा एंड इसने मतलब ऑर्नामेंट्स ही पहने हैं सिर्फ कपड़ों के नाम पे तो सो so, ऑर्नामेंट्स डाले हुए हैं सिर्फ बैंगल्स हैं जो कि लेफ्ट आर्म में है एंड एम्यूलेट एंड ब्रेसलेट ऑन द राइट आर्म शी स्टैंड्स इन अ त्रिभंग डांसिंग पोस्चर जैसे कि आप पोस्चर देख सकते हैं विद द राइट हैंड ऑन ऑनअर हिप सो इसकी कुछ पोजिशन इस तरह से ही है जैसे इसमें दिखा रखी है पिक्चर में एंड इसने सिर्फ ऑर्नामेंट्स पहने हैं कोई कपड़े वगैरह नहीं पहने सो इस तरह का जो है डांसिंग गर्ल का हमें एक स्टैचू मिला है वहाँ से ब्रॉन्ज स्टैचू है ये एंड ये कहा जाता है कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक से ही बनाया गया है एंड इसकी जो डायमेंशनस हैं ये एग्जैक्ट डायमेंशनस हैं 10.5 सेंटीमीटर इंटू फाइव सेंटीमीटर ये इतनी ही बड़ी है ठीक है और कहाँ पर है ये अभी नेशनल म्यूजियम न्यू डेली में ठीक है नेशनल म्यूज़ियम न्यू डेली में ये लोकेटेड है एंड इसको फाउंड किसने किया था मतलब डिस्कवर किसने किया था इट वॉज़ द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मैके हु डिस्कवर द डांसिंग गर्ल इन मोहन जोदारो इन नाइन्टीन ट्वेंटी सिक्स ठीक है मोहन जोदारो के अंदर ही हमें ये मिली थी और डांसिंग गर्ल इसका नाम रख दिया गया फिर उसके बाद और इन्होंने अनस्ट मैके ने नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स में इसको डिस्कवर किया था ठीक है सो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में नहीं लिखूंगी मैं जो मेन चीज़ें थी वो मैंने इसमें डाल दी हैं कि ब्रॉन्स स्क्रप्चर है इसका डायमेंशन क्या है लोकेशन क्या है ठीक है किसने और कब डिस्कवर किया था बाकी इसका थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है कि इसने ऑर्नामेंट्स पहने हैं बैंगल्स पहने लेफ्ट आर्म में ठीक है एंड ब्रेसलेट ऑन द राइट आर्म बाकी त्रिभंग डांसिंग पोस्चर में जो है ये खड़ी है ठीक है सो ये डांसिंग गर्ल के बारे में इतना ही नेक्स्ट आता है हमारे टेराकोटा के स्कल्पचर्स यानी कि ब्रॉन्स का तो हमें मिले हैं स्कल्पचर्स लेकिन टूटी फूटी हालत में मिले होंगे बाकी सो मेन तो जो था ये डांसिंग गर्ल से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है ठीक है नेक्स्ट है टेराकोटा टेराकोटा रिफर्स टू द यूज ऑफ फायर बेक्ड क्ले फॉर मेकिंग स्कल्पचर्स मतलब जैसे कि जो मिट्टी को जब हम पकाते हैं तो उसे टेराकोटा कहते हैं और ये स्कल्पचर्स के लिए यूज़ होती थी ठीक है मिट्टी कंपेयर टू द ब्रॉन्स फिगर्स द टेराकोटा स्कल्पचर्स आर लेस इन नंबर एंड क्रूड इन शेप एंड फॉर्म मतलब काफ़ी कम नंबर में मिले हैं हमें ये टेराकोटा स्कप्चर्स जो हैं एंड क्रूड मतलब उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी शेप्स में मिले हैं एंड फॉर्म दे वर मेड यूजिंग पिंचिंग मेथड एंड हैव बीन फाउंड मोस्टली इन द साइड्स ऑफ गुजरात एंड काली बंगल सो ये जो है पिंचिंग मेथड से बनाए जाते थे एंड हैव और कहाँ मिला है ज़्यादातर गुजरात और कालीबंगन में ठीक है टेरा बोडा वॉज जनरली यूज टू तो मेक टॉयज एनिमल फिगर्स मिनीचर कार्ड्स एंड व्हील्स एक्सेट्रा मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मिट्टी से मिट्टी से जो बना सकते उन्हीं चीज़ों को बनाने के लिए इसका वहाँ पर यूज़ किया गया था ठीक है सो ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्कप्पचर्स मिले हैं जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है टॉयज एनिमल्स फिगर्स एनिमल फिगर्स मिले हैं छोटे छोटे मिनीचर कार्ड्स एंड व्हील्स ठीक है और एक मदर गॉडेज मास्क ऑफ हॉर्न डायटी एक्सेट्रा मतलब मदर गॉडेज की भी थोड़ी टूटी फूटी सी इमेज मिली है लेकिन वो मदर गॉडेस का आ जाता है सो तो वो भी टेराकोटा से मिली है ठीक है मतलब टेराकोटा के उसमें बनी हुई है द मदर गॉडेस फिगर्स हैव बीन फाउंड इन मेनी इन द साइट्स विच हाईलाइट्स इट इम्पॉर्टेंस इट इज अ क्रूड फिगर ऑफ अ स्टैंडिंग फीमेल डॉन्न विद नेकलेसेज हैंगिंग ओवर प्रोमिनेंट ब्रेस्ट यानी कि जैसे मदर मदर गॉडेसिस की फिगर्स मिली हैं हमें कई जगह पर टेराकोटा की जो बनी हुई है मिट्टी की सो so, इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस थी एंड uh, ये एक स्टैंडिंग फिगर होती हैं जिसमें कि नेकलेस से ये हैंग मतलब तो इनके ऊपर नेकलेस लगा हुआ था बड़ा सा काफ़ी ठीक है एंड ऑल्सो वी आर लाइन क्लोथ लाइन क्लोथ मतलब एक तरह से कि पूरा एक ही कपड़ा लपेट लेते हैं ना जैसे कि नीचे से लेके ऊपर तक एंड देन उसको किसी बेल्ट से गेडल यानी कि बेल्ट से उसको टाई करके रखते हैं सो शी वॉज प्रोबेबली वर् फॉर प्रस्पेरिटी शी माइट ऑल्सो हैव बीन अ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कर्ट्स ठीक है ये प्रोस्पैरिटी के लिए जो है इनको पूजा जाता होगा एंड इनको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी भी कहा जाता है मतलब ऐसा माना जाता होगा उन लोग जो है वो लोग मानते होंगे गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी ठीक है नेक्स्ट है हमारा पोट्री द इज फाउंड एट द एक्सकेविशन साइट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू टू काइंड्स प्लेन पोट्री एंड पेंटेड पोट्री ठीक है पोट्रीज हमें जो भी एक्सकेविशन साइट्स पे मिली हैं वो दो तरह की होती हैं प्लेन पॉटरी होती है और एक होती है दूसरी पेंटेड पॉटरी ठीक है द पेंटेड पॉटरी इज़ ऑल्सो नोन एज रेड एंड ब्लैक पॉटरी ठीक है पेंटेड पॉटरी को क्या कहा जाता है दूसरा नाम है रेड और ब्लैक पॉटरी एज इट इज़ यूज टू कलर एज इट इज यूज इट यूज रेड कलर टू पेंट द बैकग्राउंड एंड ग्लॉसी ब्लैक पेंट वॉज यूज टू ड्रॉ डिजाइंस एंड फिगर्स सो पेंटेड पॉटरी जो है वो रेड और ब्लैक पॉटरी क्यों कही जाती है क्योंकि इस पर रेड कलर का पेंट होता है पूरी पॉटरी पे और इसके ऊपर ब्लैक कलर से ना डिज़ाइन जो है थोड़ा बहुत देखने के लिए हमें मिला है और फिगर्स मिली हैं रेड बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक कलर से जैसे कि ट्रीज बर्ड्स एनिमल फिगर्स एंड जोमेट्रिकल पैटर्न हमें देखने के लिए मिले हैं वर रिक्यूरिंग थीम्स ऑफ द पेंटिंग्स जो भी पेंटिंग्स हमें इसमें मिली हैं वो ये सब इनके मतलब टॉपिक्स हुआ करते थे सो so इसको इसीलिए इसको रेड और ब्लैक पॉटरी भी कहा जाता है पेंटेड पॉटरी को ठीक है देन मोस्ट ऑफ द पॉटरीज दैट हैव बीन फाउंड आर वेरी फाइन ल मेड वेयर वेरी फ्यू बीज हैंडमेड मतलब है वो, है, and कुछ ही है जो बहुत हाथों से बनी पोट्री वहां पर देखने के लिए मिली है एक्सीबिशन साइड से एक्सकेवेट हुई है द पोट्रीज वॉर थ्री मेन पर्पसेज पोट्रीज जो है वो तीन पर्पज के लिए यूज की जाती थी नंबर फर्स्ट है प्लेन पॉटरी वॉज यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पेज मेनली स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स एंड वाटर ठीक है प्लेन पॉटरी जो होती थी वो घर के मतलब घर में आम काम के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए इस्तेमाल होती थी जैसे कि स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स और वाटर वाटर को स्टोर करने के लिए और ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए सेकेंड मिनिएचर वेसल्स जनरली लेस देन हाफ एन इंच इन साइज व यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पजेज मिनिएचर वेसल्स जो है वो डेकोरेटिव पर्पसिज के लिए यूज होते थे दे आर सो मार्वलेसली क्राफ्टेड इवन नाउ दे अवॉक ऑफ सो so, वो इतने अच्छे से कार्ड किए गए हैं मतलब वो मिनिएचर पोटरीज की अभी भी अगर हम उन्हें देखें ना तो मतलब अभी भी हम कह सकते हैं कि वाओ कितना अच्छा वर्क है एक तरह से ठीक है नेक्स्ट है सम ऑफ द पॉट्रीज वर परफोरेटेड विद अ लार्ज होल इन द बॉटम एंड स्मॉल होल अक्रॉस द साइड ठीक है कुछ पॉटरीज यानी कि परफोरेटेड पॉट्रीज क्या होती हैं जिसमें कि एक होल होता है ठीक है जिनको यूज़ किया जाता है जैसे कि स्ट्रेनिंग लिक्विड uh, मतलब छानने के लिए छन्नी की तरह से यूज किया, किया जाता है तो उन्हें मतलब कि यहाँ पे लिखा है देयर माइट हैव बीन यूज्ड फॉर स्ट्रेनिंग लिक्विड ठीक है लिक्विड को स्ट्रेन करने के लिए वो यूज होती होंगी एंड स्मॉल होल्स बने होते थे पूरे साइड में ठीक है जिसमें से जो है वाटर या जो भी हम उसमें वाटर डालेंगे जो भी है वो साइड से निकलता था सो so, इस तरह की पोर्ट्रीज हमें देखने के लिए मिली है दस वैली सिविलाइजेशन में ठीक है नेक्स्ट है ऑर्नामेंट्स द हरप्पन्स यूज्ड अ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम प्रेशियस मेटल्स एंड जेम स्टोन्स टू बोन्स एंड इवन बेक्ड क्ले टू मेक ऑर्नामेंट्स सो so, हरपम जो थे काफी ज्यादा उन्होंने वेरा मतलब लार्ज वेराइटी उन्होंने यूज की है प्रेसियस मेटल्स यूज किए हैं जेम स्टोन्स यूज किए हैं बोन्स एंड इवन बेक्ड क्ले से ऑर्नामेंट्स उन्होंने बनाए हैं ठीक है थीके? ये इस तरह के कुछ ऑर्नामेंट्स हमें वहां से मिले हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सो so, ये हमें ऑर्नामेंट्स देखने के लिए मिले हैं देन बोथ मैन एंड वीमेन वॉर ऑर्नामेंट्स लाइक नेकलेसेस फिलेट्स आमलेट्स एंड फिंगर रिंग्स ठीक है इस तरह के जो ऑर्नामेंट्स थे नेकलेस फिलेट्स आमलेट्स फिंगरिंग्स वो जो है men और वुमेन दोनों पहनते थे earrings and एंड were वर only ओनली बाय द earrings इयर और एंकलेट्स जो है वो ओनली वुमेन पहनती थी नेक्स्ट है बीड्स मेड from कॉर्नीलियन amethyst, quartz, स्टेटाइट एक्सेट्रा ठीक है इनके ये जो ये मटीरियल हैं इनके मोती मिले हैं वर क्वाइट पॉपुलर एंड वर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल एज इट्स एविडेंट from द फैक्ट्रीज डिस्कवर्ड इन चंद and एंड लोथल सो so, चंद उदारों लोथल से कुछ फैक्ट्रीज मिली थी जहां पर मतलब बीट्स हमें मिले हैं कि इन इन मटेरियल के बीट्स मिले लार्ज स्केल में मिले हैं तो इससे पता चलता है कि इन चीजों का प्रोडक्शन जो है काफी ज्यादा वहां पर होता होगा नेक्स्ट है फॉर फैब्रिक द हरप्पन्स यूज कॉटन एंड वूल विच स्पन बाय रिच एंड पुअर अलाइक सो फैब्रिक के लिए जो है हरप्पन जो थे कॉटन यूज करते थे वूल यूज करते थे जो कि मतलब रिच और पुअर दोनों के लिए ही काफी ज्यादा सूटेबल थे द पीपल ऑफ द टाइम वर कॉन्शियस ऑफ फैशन एज वेल एज कैन बी इन्फ्लर्ड फ्रॉम द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ हेयर एंड बियड सो आप देख सकते हैं जैसे कि अभी बियर्डेड प्रीस्ट में भी उनके सर पर मतलब माथे पर वो कुछ पहनते थे हेडगे टाइप एंड उनके जो मदर गॉडेस हैं उसके फ़ोटो में भी देखा था जैसे कि वो कुछ मतलब उनके ऑर्नामेंट्स वगैरह से मतलब तो यहाँ से पता चल जाता है कि इन स्कल्पचर्स को देख के कि उस के मतलब उस टाइम के लोग मतलब कॉन्शियस थे फैशन को लेकर मतलब जिससे कि हमें पता चलता है कि काफ़ी डिफरेंट स्टाइल्स उनके हेयर में भी देखने के लिए मिले हैं बियड में दस वी सी दैट दर्टिशंट एंड स्कल्पर्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन मेड जॉय स्ट्राइल्स इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पर सो इससे हमें यही पता चलता है कि मतलब आर्टिशंट और स्कल्पर जो थे हरप्पन सिविलाइजेशन के उन्होंने काफी ज्यादा अचीवमेंट्स हासिल किए हैं आर्किटेक्चर और स्कल्पर की फील्ड में उस टाइम पर जब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी ठीक है तभी भी वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे थे फ्रॉम अ साइंटिफिक सिटी प्लान टू आर्टिस्टिक फिगर्स एंशियंट सिविलाइजेशन हैज लेफ्ट बिहाइंड लेगेसीकिल एंड क्राफ्टमैनशिप सो so, इससे हमें यही पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जितना भी अभी हमने सील्स पढ़ा है ठीक है टेराकोटा फिगर हमने पढ़ी है ठीक है डांसिंग गर्ल के बारे में हमने देखा सो और अभी हम ये जो इनके बीड्स वगैरह यानी कि एक तरह से हम ऑर्नामेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं पोट्री जो हमने देखी ठीक है पेंटेड पोट्री भी इवन हमें वहाँ पर मिली है एंड फाइन व्हील से बनी हुई पोट्रीज भी मिली है सो so, इससे यही पता चलता है कि कितनी अच्छी सिविलाइजेशन थी इसने कितने अच्छे क्राफ्ट मतलब लोग क्राफ्ट्समैनशिप एंड स्किल लोगों के पास कितनी ज़्यादा थी ठीक है नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक बचता है बी प्रीस्ट और उसके बाद हमारा एक यहाँ से मेल टॉर्सो और मिला है हमें सो so, ये दो तीन चीज़ें और हम स्कल्पचर के रूप में मिली है हमें सो so, इंडस वैली में स्कल्पचर के बारे में इतना ही है सो so, अभी हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार नेक्स्ट है हमारा बी एडेड प्रीस्ट द बर्स्ट ऑफ द बीर्डेड प्रीस्ट इज वन ऑफ द एक्सेलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोन फिगर्स फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन सो जो हमें बी प्रीस्ट मिला है वो थोड़ा टूटा हुआ है इस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यानी कि एक्सेलेंट एग्जाम्पल्स में से मिला है जो कि स्टोन फिगर इन दस वैली सिविलाइजेशन में हमें मिले हैं जितने भी ठीक है उसमें से सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बियर्डेड प्रीस्ट इट इज़ अ फिगर ऑफ अ बियर्डेड मैन ड्रेप्ड इन अ शॉल जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो एक बियर्डेड मैन है जिसने एक शॉल पहन रखा है ट्रिफाइल पैटर्न यानी कि उस पर तीन पत्तियों वाला जो पैटर्न बना हुआ है आईज आर एनलॉन्गेटेड एंड हाफ ड क्लोज एज इन मेडिटेशन आईज देख सकते हैं आप द फिगर हैज़ एन आमलेट ऑन द राइट हैंड एंड अ प्लेन वोमेन फिलेट अक्रॉस द हेड और एक आमलेट पहन रखा है उसने अपने राइट हैंड पे एंड अ एक और हेड पे जो है एक प्लेन कलर का मतलब प्लेन जो है वोमन फिलेट उसने अपने हेड के अक्रॉस पहन रखा है ठीक है ये बियर्डेड प्रीस्ट के बारे में इतना ही है ज़्यादा नहीं मतलब डायरेक्ट क्वेश्चनस नहीं आते हैं इससे बस मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया एंड देन नेक्स्ट द रेड सैंडस्टोन फिगर ऑफ अ मेल टॉर्सो एक मेल टॉर्सो so, मिला है जो कि रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है किससे बना हुआ रेड सैंडस्टोन से इस अनदर स्पेसिमेन ऑफ द रॉक स्कर्स द टॉर्सो हैज अ फ्रंटल पोस्चर विद वेल बेग्स शोल्डर्स एंड अ प्रोमिनेंट एबडोमेंट तो एक काफ़ी अच्छा जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं रेड सैंडस्टोन फिगर हमें मिली है ये एक रॉक स्कल्चर है और इसमें जो है काफ़ी अच्छा पोस्चर दिखाया गया है ठीक है और ये शोल्डर्स और प्रोमिनेंट एबडोनमेंट्स के मतलब कॉर्नर्स पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि सॉकेट्स या होल्स लगे हुए हैं ठीक है होल्स बने दे आर सॉकेट होल्स इन द नेक एंड शोल्डर प्रोबेबली फॉर अटैचमेंट ऑफ हेड एंड आर्म्स सो इतना ही है इसके बारे में बस हमें इतना याद रखना है कि ये हमें जो है मोहन जोदारो या हरप्पा से मिला है क्या मिला है रेड सैंडस्टोन फिगर ठीक है इंदस वैली सिविलाइजेशन से ये सारी चीज़ें बस आपको नाम याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ से मिली हैं क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा ही आता है सो so, आज की वीडियो में इतना ही एंड हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर और स्कल्पचर कंप्लीट हो चुका है ठीक है इसमें मैंने आपको मेन मेन चीज़ें सारी बता दी हैं ज़्यादा डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो इतना सिलेबस में नहीं आता इतना आपके सिलेबस में है भी नहीं क्योंकि जीके वाला पार्ट भी आता है सो so, जितना भी था वो मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट चीज़ें स्कल्पचर्स के नाम पे और आर्किटेक्चर के नाम पे एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड टेक केयर बाय बाय कॉमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी है एंड मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी बाय